मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम कई सारे वीडियो बनाए हुए, मतलब हर एक इंडिविजुअल का क्या क्या काम है, जैसे फिटर है, फोरमैन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, एसक्यूसी इन्वेस्टिगेटर है, ऐसे 12-13 वीडियो मैंने बनाया था। और आज एक मेरे को याद आया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेबर हैंडलर। लेबर हैंडलर क्या चीज़ होता है आपको बता दूँ। जैसे एक मिल है, कंपनी है, उसमें क्या पर्सनल का HOD रहता है, चाहे GM बोलो, VP बोलो, उसका नीचे वेलफेयर ऑफिसर रहता है, पर्सनल मैनेजर रहता है, उसके बाद में मतलब एक छोटा छोटा ग्रुप में वर्कर का ग्रुप रहता है, ग्रुप का एक लेबर हैंडलर रहता है, मतलब कम से कम 25-30-50 आदमी का एक हैंडलर रहता है। वो उनका देखभाल करते हैं, उनको कैसे काम देना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, अपनी मतलब वो ग्रुप बढ़ा के रखते हैं इनको। और वो लेबर हैंडलर जो होता है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि हाई फाई क्वालिफाइड चाहिए, उसमें से किसी को निकाल सकते हैं। लेबर हैंडलर जो होता है, आप 10वीं पास भी हो या 10वीं 8-9 कक्षा तक भी होगा तो ले सकते हो। बिल्कुल कम पढ़ा लिखा लोग नहीं रखना, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी का काम रहता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का भी काम रहता है उसको। जो लेबर हैंडलर होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे 8-9 कक्षा तक पढ़े या 10th पास हो चल जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। अपनी भाषा में लिख सकता है या हिंदी में लिख सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और उसका पूरा कार्य प्रणाली जो है, उसका जो जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा अभी। उससे पहले एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए, बगैर मेंबरशिप से चैनल चलाना मुश्किल हो जाता है। और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरत है, अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा अपना ये चैनल आगे बढ़ नहीं पाएगा। और आप भी मेंबरशिप लीजिए, और आपका दोस्त लोग भी बोलिए, वो भी लेंगे तब जाके वो चैनल चल पाएगा। और देखिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेबर हैंडलर में क्या क्या काम रहता है, ऑब्जेक्टिव्स उनका, मतलब क्या क्या उसका काम है, सारी चीज़ आ जाएगा इस पर। ऑब्जेक्टिव्स बोलो या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो। ठीक है, उस पर क्या होता है, देखो, सबसे पहले प्रिपेयर ऑफ वर्कर्स लिस्ट कीप इन पॉकेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों शिफ्ट का वर्कर का नाम, कार्ड नंबर और फोन नंबर, ये लिख के तीनों शिफ्ट का अलग अलग अपनी जेब में रखिए। लेबर ऑफिसर का पहला काम ये है, मतलब जैसे पूरा बंटवारा करके लेगा, मतलब साइडर बराबर हर लिस्ट में होना चाहिए, डफर बराबर होनी चाहिए, पीपर का हर डिपार्टमेंट का आदमी बराबर लिस्ट में नाम आना चाहिए, ये सब करके रखना पड़ता है। तो उसके बाद देखो, ये जो रिपोर्ट रखने का मतलब क्या, देखो समझ लो, मेरा हाथ में, मैं एक लेबर हैंडलर हूँ, मेरे हाथ में समझ लो एक कागज़ है, मतलब मनी शिफ्ट का कागज़ है। तो उसमें क्या, गेट पर जब आदमी एंट्री करेंगे ना, जो जो लड़का आएंगे इसको पेंसिल में ठिक करते रहना, टिक मारते रहना कि ये आदमी अंदर आ गया ड्यूटी पे, जो नहीं आया इसको चौकड़ी मार देना और इसको ढूंढते रहना कौन नहीं आया, तो वो आसान रहता है। और आपको लड़के अंदर जाएंगे जब, आपको पहले से मालूम पड़ जाएगा मेरा कितना आदमी आ गया, कितना बाकी है, इसका फ़ायदा के लिए अपन बढ़ा के रखते हैं लिस्ट। ऐसे ही टेक सैंक्शन स्ट्रेंथ फ्रॉम HOD, जो पर्सनल डिपार्टमेंट का HOD होता है, उससे पहले सैंक्शन स्ट्रेंथ लेना, मतलब रिम फ्रेम में कितना आदमी देनी है, ऑटोकोन में कितना देनी, सिंपलेस में, ड्राइंग में, कार्डिंग में, ब्लोर में, हर जगह का पूरा लिखित में सैंक्शन स्ट्रेंथ लेना है। और उसी सैंक्शन स्ट्रेंथ के ऊपर आदमी लगा रहा है, सैंक्शन स्ट्रेंथ से कभी एक्स्ट्रा आदमी नहीं देना। एक्स्ट्रा आदमी देंगे
तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली मतलब डिपार्टमेंट वाला तो खुश हो जाएंगे, समझ लो आपकी रिमपेयर में 40 आदमी लगता है, आपने 45 आदमी थमा दिया, 5 आदमी वो रख लिया एक्स्ट्रा और मज़ा लेंगे प्रोडक्शन वाले, लेकिन अल्टीमेटली बर्डन बढ़ेगा मिल को। तो कभी सैंक्शन स्ट्रेंथ से ज़्यादा आदमी नहीं देना, इसीलिए सैंक्शन स्ट्रेंथ तो अपने पास रखना। उसके बाद देखिए रिक्रूट 30% एक्स्ट्रा हैंड्स दैन मस्टर रोल। जैसे आपकी जो सैंक्शन में जितना आदमी चाहिए उससे 30% एक्स्ट्रा आदमी मस्टर रोल में होना चाहिए। आपने जो नया आदमी भर्ती किया या कहीं मिल से बुलाया कुछ किया, तो इसको क्या करना, मस्टर रोल में 30% एक्स्ट्रा आदमी। सब लो एक मिल में आपकी 250 जन लगते पर डे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो इसका 30% एक्स्ट्रा मतलब कितना हो गया, इसका 30% और 75 आदमी तो हो गया 325 आदमी आपको भरना पड़ेगा। 325 आदमी भरोगे 30% एक्स्ट्रा रहेगा, उससे क्या होगा, छुट्टी लंग छुट्टी जाएंगे, वीकली ऑफ रहेगा और बीमार रहेंगे लोग, शादी ब्याह पड़ेगा घर जाएंगे, और उसके बाद में मतलब कुछ लोग रहते हैं हैबिचुएटेड एब्सेंटिज्म करते हैं, मतलब महीने में कुछ लोग रहते हैं जैसे 10-12 ड्यूटी हो गया बहुत है, मतलब ऐसे भी कुछ रहते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा आदमी रखेगा, तो इनको बुलाना ना पड़े, कितना एब्सेंट मारता है मारने दो, पैसा कम पड़ेगा अपना, आप वो मतलब रहेगा नहीं तो चला जाएगा। तो इसीलिए अपने पास क्या मैन पावर स्ट्रांग होगा, तब इनका ऊपर आप समझा सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो, जो भी करना है। और रिक्रूट एज ग्रुप 18 से 24, ये ध्यान रखना। 18 से 24 क्यों बोलते हैं आपको, 18% से नीचे वाला लोगे तो वो आपकी कानूनन अपराध हो जाएगा, तो फिर आपके अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा लड़कों का। तो 18 साल कंप्लीट होना चाहिए आदमी को, लड़का हो लड़की है, और 24 साल तक इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 18 से 24 तक का एज का ग्रुप में सिलेक्ट करोगे ना, कम से कम वो 25-30 साल नौकरी करेगा। अगर आपने ये मतलब 18 से 40 कर दिया तो 40 साल में कोई भर्ती होगा, काम सीखने में दिक्कत जाएगा, उसको काम सीख भी गया तो 15-20 साल का बुढ़ापा आ जाएगा, तो कुल मिला के इंडस्ट्री को लॉस होता है। तो इसीलिए 18 से 24 साल तक लड़के लड़ा रिक्रूटमेंट करना। ऑल न्यू एम्प्लॉई मस्ट हैव आधार कार्ड। ये आधार कार्ड क्यों जरूरत पड़ा, आधार कार्ड इसीलिए ज़रूरत पड़ता है, कोई भी एम्प्लॉई आता है उनका आधार कार्ड के माध्यम से बैंक में अकाउंट खोलना पड़ता है। वो पहले ज़माना नहीं है जो हार्ड कैश बांटते थे, इसका इतना ड्यूटी इतना पैसा कैश दे दो इसको, कैश वाले का ज़माना नहीं रहा, सब बैंक पेमेंट होता है, इसीलिए सबका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर बगैर आधार कार्ड में किसी वर्कर को कहीं से अपने माइग्रेट करके बुलाया तो कभी ये काम करने नहीं देना, सबसे पहले पूछना आधार कार्ड है क्या, 18 साल से ऊपर है क्या, ये सारी चीज़ पूछ पाछ के लाना। डू नॉट रिक्रूट फ्रॉम वन कम्युनिटी। वन कम्युनिटी मतलब देखो ये क्या होता है, समझ लो आपने एक कम्युनिटी का मतलब आपके पास 50 आदमी है, आपकी एक कम्युनिटी का 40 आदमी भर्ती कर दिया, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ इसको अलग वे में नहीं लड़ा, और समझ लो वो 40 आदमी एक कम्युनिटी का हुआ, उनका कोई समझ लो मतलब कोई दिवाली होली टाइम आया, वो 40 आदमी छुट्टी भागने की तैयारी में रहेंगे। समझ लो दूसरा कोई कम्युनिटी का लिया, इनका ईद आया मुहर्रम आया ये सब त्यौहार आएगा तो वो भी भाग जाएंगे। तो ये जो कम्युनिटी बोल रहा हूँ ना, एक कम्युनिटी का इसीलिए नहीं लेते, आपको अलग अलग स्टेट से अलग अलग कैटेगरी का लोग लेना, कम्युनिटी का लोग लेना, ताकि कभी त्यौहार वगैरह आया, फंक्शन आया, शादी ब्याह का मौसम आया, वो लोग एक साथ घर ना जाए, आपकी लेबर शर्ट का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो एक ही कम्युनिटी का आदमी नहीं लेना किसी भी तरह। उसके बाद देखो डू नॉट गिव एनी फेक इन्फॉर्मेशन टू न्यू कमर। जैसे कोई नया आदमी लेते हो इसको कभी झूठ मूठ का बोल के नहीं लाना। समझ लो आपके मिल में 8 घंटे में 400 रुपया देता है एग्जाम्पल,
वो 8 घंटे में 400 रुपया देता है तो 400 बोल के लड़ा। ऐसे कोई किसी को नहीं बोल रहा अरे तुमको 450 रुपया मिलेगा 8 घंटे का, चलो अपने साथ। ऐसे बोल के तो ले आओगी, आ तो जाएंगे लेकिन ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि जब पगार बनेगा वो देखेंगे अपना तो 400 रुपया के हिसाब से मिला। तो उसमें क्या होता है, एक आदमी दूसरों को बताएगा, दूसरा चौथा को बताएगा, फिर वो बढ़ता रहेगा, वो फिर ऐसे फैल जाएगा मैटर, ऐसे फैल जाएगा तो तुम्हारे पास कोई आदमी नहीं आएगा। तो इसमें कभी किसी को लड़ा है बाहर से वर्कर लड़ा है या ट्रेनिंग भी लो तो इनको सही चीज़ बोल के लड़ा, बिल्कुल झूठ मूठ बोल के नहीं लड़ा किसी को, ठीक है। उसके बाद देखो, डू नॉट सेंड एनी मनीटरी हेल्प फॉर न्यू वर्कर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्या होता है देखो, मनीटरी हेल्प क्या मतलब, समझ लो आपकी मिल है राजस्थान में, आपने छत्तीसगढ़ से आदमी मंगानी है और 20-25 आदमी है, स्किल्ड कारीगर है, तो वो लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, आप लेबर हैंडलर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, बोलेंगे साहब ऐसे 50,000 रुपये भेज दो, हम लोग यहाँ से कल निकल जाएंगे। तो उसमें क्या होता है देखो, पैसा समझ लो अपने कंपनी से एडवांस में ले लिया, और कंपनी से एडवांस में लोगी तो कंपनी आपके नाम पर चढ़ा के देगा कि फलाना लेबर हैंडलर 50,000 रुपया लिया, आप पैसा भेजा। तो पैसा भेजने से क्या होता है, जब पैसा वो जो लड़के लोग के पास पहुँच जाएगा 50,000, उनका मन में चेंजेस हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, वो क्या करेंगे, वो 50,000 ले गए और सब आपस में बांट लेंगे, कोई मतलब बढ़िया खाना पीना कर देगा, कोई दारू पी लेगा, वो ये सब क्या होता है, फिर वो लोग आने के नाम नहीं लेंगे। फिर आप जब फ़ोन करोगे अरे भाई पैसा मिल गया ना, हाँ मिल गया, तो कल बैठो फिर गाड़ी में, हाँ बैठते, तो फिर आप इंतज़ार करते रहोगे, वो आएंगे नहीं। तो ये चीज़ में क्या होता है, 20-25 आदमी एक साथ नहीं मंगाना, 4-5 आदमी मंगाना एक ग्रुप में, और उनको पैसा नहीं भेजना, उनको बोलो आप अपनी खर्चा से आ जाओ, आने के बाद मैं करा दूँगा। ये क्या होता है, जो अपनी खर्चा से आएगा ना वो आदमी काम करेगा, क्योंकि वो पैसा लगा का है, वो जो आपके खर्चा दे के मंगा है वो आदमी करेगा नहीं करेगा गारंटी नहीं। वो सोचेगा अरे मैं आ गया इधर इतना दूर, काम हो ना हो मैं तो चला जाऊँगा दूसरे कहीं, तो उसका जेब से तो गया नहीं ना एक पैसा। तो इसीलिए कभी भी आप पैसा दे के नहीं मंगाना आदमी। उसके बाद देखो, प्रोवाइड एटलीस्ट 2 डेज फूड फ्रॉम कंपनी अकाउंट। तो कंपनी अकाउंट में 2 दिन का खाने का जो रिवाज है, क्यों है मालूम है, जैसे समझ लो कोई परदेश से आया, मतलब 20 घंटा 50 घंटा 40 घंटा ट्रेन में जर्नी करके आया, जनरल बगी में बैठ के आते हैं लड़के ज़्यादातर, तो वो लोग आते ही तो अपनी तो मतलब गैस वगैरह का इसका कोई खाने पीने का खुद तो अरेंजमेंट कर नहीं पाएंगे। तो वो लोग को क्या करना, 2 दिन कम्प्लीटली 2 दिन कंपनी अकाउंट से खाना खिलाओ। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ा ग्रुप है 2 दिन का माफ़ भी हो जाता है, मतलब उनका पैसा नहीं कटता, कोई कंपनी समझ लो थोड़ा बहुत पैसा में इतना बढ़िया नहीं है, तो 2 दिन का पहले खिला दो, बाद में इनका पैसा से काट दो कि चलेगा, लेकिन पहले खिलाना ज़रूरी है। नहीं खिलाओगे तो लड़के आते ही 2 दिन तकलीफ सहेंगे, तीसरा दिन सोचेंगे यार इधर तो खाने पीने का भी ठीक नहीं, क्या करें, चलते घर, फिर निकल जाएंगे। ऐसे कभी नहीं करना, 2 दिन का खाना खिला देना इनको। उसके बाद देखो, प्रोवाइड एडवांस आज पर नंबर ऑफ ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे जैसे लड़के आ गए ड्यूटी चालू किए, उनको जो एडवांस दोगे आप, वो जितना ड्यूटी करेंगे उसी हिसाब से देना। एग्जाम्पल देखो, समझ लो एक कारीगर का 15 ड्यूटी है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 15 ड्यूटी है, उसका 6,000 रुपया बन रहा है 15 ड्यूटी में। तो 15 ड्यूटी में जब 6,000 रुपया बन रहा है, तो उसको जब एडवांस देने जाओगे उसका 40% देना, ₹2400 तक एडवांस दे सकते हो। और एडवांस कभी भी कैश नहीं देना, कभी भी कैश नहीं देना। कैश देने से क्या होता है, आपने जैसे 15 दिन ड्यूटी किया, 6,000 रुपया बना, 2400 रुपया आपने कैश पकड़ा दिया, वो क्या करेगा, 500 रुपया टिकट काटेगा, घर भाग जाएगा।
तो कभी भी आप एडवांस जो होता है क्या स्पर्म में नहीं देना, उसे कैसे देना आगे बताऊंगा। उसके बाद देखो, डू नॉट एंगेज होल फैमिली मेंबर्स इन वन डिपार्टमेंट, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ लो एक फैमिली मेंबर का पांच, मतलब समझ लो मियाँ बीबी है, दो लड़का एक लड़की, ऐसे ही पांच मेंबर है, तो उनको कभी भी एक डिपार्टमेंट में नहीं डालना। पांच जन है तो ऑटोक्रोम में एक आठ डाल दो, रिमफेर में दो डाल दो, पीपटर में दो डाल दो, हाँ ऐसे करके अलग अलग जगह डाल देना, ताकि इनका घर पे जब शादी ब्याह का मौसम आएगा या कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम बनेगा, ये लोग क्या, अगर एक ही डिपार्टमेंट में डालोगे पांचों को पांचों एक ही साथ चले जाएंगे छुट्टी, आपका हो जाएगा लेबर शर्ट। तो कभी इनको एक फैमिली का मेंबर, जो एक फैमिली मेंबर एक डिपार्टमेंट में नहीं डालना। उसके बाद देखो, बिफोर एनी न्यू रिक्रूटमेंट अरेंज रेसिडेंस फॉर देम, कोई भी आदमी आप नया अपॉइंटमेंट कराते हो, जैसे 20 आदमी हो, 40 आदमी का टीम हो, जो भी है 10 आदमी भी हो, जब इनको बुलाते हो किसी कंपनी में, वो बुलाने से पहले उनके लिए रहने का व्यवस्था सबसे पहले करने का, घर वगैरह साफ सफाई करके बढ़िया से उनको सिस्टमेटिक करके रखना, उसके बाद बुलाना। ऐसा ना हो कि वो रात को आके पहुँच गए तो घर बिल्कुल गंदा पड़ा, साफ सफाई नहीं है, कचरा है, सोने की जगह नहीं है, ये सारी सब झमेला रहता है। कई बार मैंने ये देखा हुआ, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो बुलाने से पहले घर का रेडी रखना, रेसिडेंस का रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर 8 आवर ड्यूटी 4 आवर्स मस्ट स्पेंड इन कॉलोनी, जो लेबर हैंडलर होता है, अगर उसका 8 घंटे का ड्यूटी है, 4 घंटा मिल में रहेगा, 4 घंटा वर्कर कॉलोनी में रहेगा। वर्कर कॉलोनी में इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि जब वर्कर के अंदर जो साथ में जाकर मिलेगा जुलेगा तो मालूम पड़ेगा। समझ लो किसी को थोड़ा बहुत गैस का प्रॉब्लम है, किसी का क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी का तबीयत ख़राब है, ये सब जो सेवा होता है ना, वो सेवा करेगा। जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, जो अच्छा अच्छा पॉलिटिशियन है वो लोग ऐसे ही नहीं बने, वो लोग सबसे पहले समाज में सेवा किए, अपनी एरिया के लिए काम किए, काम करने के बाद पब्लिक उनको चुन के आगे बढ़ाए। ऐसे ही जब लेबर हल्डर कॉलोनी में रहेगा 4 घंटा, उसका वर्कर लोग का दिक्कत देखेगा, परेशानी देखेगा, इसको सॉल्व करेगा, तब जाके वर्कर लोग मानेंगे उसको। अगर वो लोग परेशानी में रहेंगे तो लेबर हल्डर का कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए 8 घंटे से 4 घंटा इसको वर्कर कॉलोनी में बितानी पड़ेगी, तब जाके उसका ठीक रहेगा। उसके बाद देखो, बिफोर रिक्रूटमेंट एक्सप्लेन द वेज स्ट्रक्चर क्लियरली, किसी आदमी के वर्कर को लेते हो तो उसको वेज स्ट्रक्चर बताना बराबर। वेज स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो आपको मैं शॉर्टकट में बोल देता हूँ। समझ लो एक रिम फ्रेम का कारीगर लिया, एग्जाम्पल रिम फ्रेम का कारीगर लिया, इसको ऐसे बता देगा, भाई तुम अगर 8 घंटा ड्यूटी करोगी तो आपको 400 रुपया मिलेगा, ठीक है, और इसमें 26 डेज का अटेंडेंस चाहिए महीने का। समझ लो इसमें 26 के जाके 27 दिन कर दिया, 27 दिन कर दिया तो आपको 410 रुपया मिल जाएगा, और ये अगर आपकी 29 दिन हो जाएगा 415 रुपया मिल जाए। ऐसे जैसे कंपनी का नियम है ऐसे करके देना, और अगर 26 दिन से कम हो गया, समझ लो 26 से कम हो गया तो 400 नहीं मिलेगा, ये और कम हो जाएगा, समझ लो 23 दिन हुआ, 23 दिन में ये 400 की जगह हो जाएगा 380 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको क्लियर कट समझाने का, ताकि वो ड्यूटी के बारे में वो समझ जाए, उसी हिसाब से करते रहे। अगर आप क्लियर नहीं समझाओगे नहीं, तो फिर जब उसको पैसे कम मिलेगा तो तब समझाने लगोगे, तब वो टिकेगा नहीं। तो टिकाने के लिए क्लियरली बताना जरूरी है। उसके बाद देखिए, लियासनिंग विथ अपसेट वर्कर्स ऑन डेली बेसिस, मैं आपको बता, जो लिस्ट देख के चेक करेगा शिफ्ट चेंज में कौन कौन आया, कौन कौन बाकी है, और उसके बाद जैसे कोई कोई आदमी अपसेट मारा, वो लिस्ट में आप पेंसिल में मतलब निशान लगा दो, उनको बुला के बात करना, उनका परेशानी समझा,
आदमी कोई वर्कर कोई अपना मन से अपसेट नहीं मारता, कोई तकलीफ होता है तब मारता है। समझ लो किसी का घर पर राशन नहीं, भूखा सोया, वो क्या ड्यूटी करेगा, आएगा नहीं, तो पूछोगे तब मालूम पड़ेगा। और कोई बोलेगा सब मशीन बहुत ख़राब चलता है, काम करने लायक नहीं, इसीलिए नहीं गया, वो भी एक कमी है, उसको भी आप डिपार्टमेंट वाला को बोल के ठीक कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ क्या, उनसे लियासनिंग करोगे, अंदर की बात निकल कर आएगा, क्या क्या परेशानी है, लड़का क्यों ड्यूटी नहीं आया, क्या दिक्कत है। तो लियासनिंग मस्ट, अपसेट वाला से बात करना। और कोई कोई बिना कारण से मारते, ऐसे नहीं कि सब लोग सही रहते, कोई कोई बिना कारण से भी झूठ मूठ बोल के अपसेट मार देते। अगर झूठ बोलेगा, आपने डेली पूछते रहोगे अपसेंटिज्म वालों को, तो एक दिन झूठ बोलेगा, दो दिन बोलेगा, तीन दिन, उसके बाद तो फिर पकड़ में आ जाएगा ना। तो लियासनिंग करना जरूरी है। If anyone found ill, medical service to provide immediately. ये सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है। कोई आदमी अगर बीमार है तो इसको मेडिकल फैसिलिटी देना है, डॉक्टर लेके दिखाना, कोई तकलीफ है पता करना, कंपनी के तरफ से गाड़ी से भेजना, इसका इलाज करके लाना। उसके बाद देखो, ट्रेनिंग वर्कर्स मस्ट ट्रेन इन रेगुलर बेसिस। ट्रेनिंग वर्कर जो न्यू ट्रेनिंग होता है वो ज़रूर लेना चाहिए, इनको बराबर ट्रेनिंग देना चाहिए। मतलब 26 दिन के बाद सीनियर कर दो थोड़ा बहुत काम सिखा कर, फिर 52 डेज के बाद और थोड़ा बढ़ा दो आगे, सेमी स्किल्ड कर दो, बाद में 90 डेज के बाद आप स्किल्ड करा दो, तब जाके जैसे नया वर्कर भर्ती होते रहेंगे, पुराना वाला भी छोड़ते रहेंगे, एज हो गया छोड़ते रहेंगे, तो नया तैयार रखोगी तब तो पुराना जाएंगे, तो नया तैयार रखोगी। और उसमें ऐसा भी देखो, ट्रेनिंग लोग को जब लेते हैं ना, समझ लो कोई 26 डेज का ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, तो 26 वाला डेज ट्रेनिंग हो गया, ये क्या तीन ट्रेनिंग इक्वल टू वन स्किल्ड, ऐसे करके भी एनगेज कर सकते हो। जैसे ये 52 डेज वाला हो गया ट्रेनिंग, तो दो ट्रेनिंग वन स्किल्ड, ऐसे ही करके मैन पावर में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। जहाँ लेबर शर्ट वगैरह होगा तो वहाँ पर ट्रेनिंग वाला को ऐसे लगा के आप एडजस्टमेंट करोगे। ट्रेनिंग वाले का बहुत फ़ायदा है, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। आफ्टर शिफ्ट चेंज स्टे इन द डिपार्टमेंट फॉर 2 आवर्स। देखो शिफ्ट चेंज हो गया, आदमी वगैरह लग गया, 2 घंटा रहने का। 2 घंटा रहने का मतलब क्या है, जो आदमी आपने लगा रखा वो सही सही लगे क्या, मतलब कैलिबर के हिसाब से। जैसे समझ लो कोई बहुत बढ़िया कारीगर, ठीक है, कोई कमज़ोर कारीगर लग गया खराब वर्किंग वाला मशीन में, बढ़िया वर्कर लग गया अच्छा वर्किंग वाला मशीन में। मतलब इसमें क्या होता है, जो बढ़िया वाला था अच्छा मशीन में लग गया चला लेगा, जो खराब वाला खराब मशीन में लग गया तो वह मैनेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए 2 घंटा इसीलिए अंदर रहना ज़रूरी है, कोई फेर बदल करना, कोई चेंज चाँज करना, वो देखने का, उनका तकलीफ समझने का। कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, कोई मशीन में तकलीफ तो नहीं है, प्रोडक्शन वाला से बात करना, प्रोडक्शन वाला की भी दिक्कत सुनना, कोई कारीगर से मतलब बहुत कमज़ोर है चला नहीं पा रहा है तो इसको चेंज करना है, या उसकी जगह एक और साथ पे ट्रेनिंग दे देना। ये जो छोटा मोटा एडजस्टमेंट है आपको 2 घंटे के अंदर कर लेना, इसीलिए आपको 2 घंटा रहना ज़रूरी है। उसके बाद देखो, बिफोर शिफ्ट चेंज आरएज ओवर टाइम हैंड्स फॉर नेक्स्ट शिफ्ट। समझ लो आपने डिपार्टमेंट में रहा 2 घंटा, शुरू में 4 घंटा चला गया कॉलोनी में, आपको जैसे बताया था जन सेवा के लिए, बाद में क्या करना, 2 घंटा जब अंदर आओगे लास्ट में, उस टाइम जो समझ लो ए शिफ्ट आपकी चल रहा है, मतलब 3 बजे शिफ्ट चेंज हो जाएगा, दिन में 3 बजे, तो 3 बजे हो जाएगा, आप खाना वाना खा के 1 बजे आ जाओगे अंदर, 1 बजे आ जाओगी। आपको अगर लगेगा कि थोड़ा बहुत मैन पावर कम पड़ सकता है तो 1 बजे आके 2 घंटे के अंदर थोड़ा बहुत आदमी अपने हाथ पे रखना कि भाई आज आदमी कम पड़ेगा तो तुम थोड़ा आज ओवर टाइम रुक देना, इसको बोल दिया तुम थोड़ा रुक देना, लिस्ट बढ़ा लेना, उनको कन्विंस करना, मोटिवेट करना, ये करके कम से कम अपनी रिक्वायरमेंट के आदमी 5-10 आदमी एक्स्ट्रा अपनी जेब में रखने का, इनको समझा बुझा के तो आदमी पड़ेगा ये लोग डायरेक्ट मतलब लगा देने का, इनको 8 घंटे की जगह 16 घंटा कर लेंगे, लेकिन पहले से बात करके रखोगी तब जाके काम देगा। और जैसे शिफ्ट चेंज हो जाएगा आप बोलोगे यार तुम रुक जाओ, कोई नहीं रुकेगा, सब भाग जाएंगे,
तो इसलिए इनको पहले से समझा के रखना जरूरी है। मोटिवेट वर्कर्स टू अवॉइड बैड प्रैक्टिसेस मेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो वर्कर लोग को बीच बीच में इनको मोटिवेट करना, गलत काम ना करें, जैसे बैड पिसिंग ना करें, डिपार्टमेंट में झड़प ना मारे, ऐसे हवा मारते ना पूरा फ्लाई फ्लाई उड़ा देते, और लपेटा मारते रिम फ्रेम वाला वो नहीं करे, लंग गेटिंग ना करे, ये सारी जो बैड प्रैक्टिस होता है वो सब नहीं करना। तो वो सब बारे में समझाना और रूल्स रेगुलेशन का बारे में भी बताना, मतलब सीनियर लोग जो होता है इनको इज्जत करना, उनका बात मानना, किसी से फालतू की बहस नहीं करना, ऐसे रूल्स रेगुलेशन के बारे में समझाना। उसके बाद देखो, इफ एनी काउंट पैटर्न चेंज टेक न्यू सैंक्शन स्ट्रेंथ। समझ लो आपके एवरेज काउंट चल रहा है, एवरेज काउंट 30 चल रहा है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, 30 एवरेज काउंट में आपका समझ लो 35 आदमी लगे रेम फिर में 35 हैंड्स लगे, ठीक है, और आपके उसी यूनिट में 30 काउंट एवरेज स्पीड जो होता है वो घट के हो गया 24 काउंट, ठीक है, 24 काउंट हो गया तो प्रोडक्शन बढ़ गया, नंबर ऑफ डंप बढ़ जाएगा, और साइड भी कम चलाएंगे, 30 काउंट में समझ लो 3 साइड चलाते हैं, इसमें 2 साइड भी चला सकते हैं, ऐसे कुछ भी जो भी फेरबदल है इसमें मैन पावर बढ़ के हो जाएगा समझ लो 38 हो गया। तो इसीलिए क्या करना, काउंट पैटर्न अगर चेंज होता है तो प्रोडक्शन एचओडी के साथ बैठ के आपकी पर्सनल एचओडी सैंक्शन स्ट्रेंथ लेगा डेली, समझ लो आज काउंट चेंज होगा तो एक दिन पहले इसको बताने का, भाई अपना 35 आदमी लगता था अब 38 हो जाएगा कल से, तो उसी हिसाब से आदमी अरेंज करना, तो एक दिन पहले प्रोडक्शन वाला पर्सनल वाला को बता देगा एचओडी को, वो लेबर हेल्डर को इंटीमेट कर देगा कि भैया कल से इतना आदमी लगेगा। इसका उल्टा भी सोच लो, मतलब कोर्स काउंट हुआ बढ़ गया, समझ लो फाइन काउंट हुआ घट जाएगा, तो उसको भी पहले से बताना भाई अपना इतना आदमी लगता था अब नहीं लगेगा कम लगेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। आरएच कल्चरल प्रोग्राम इन कम्युनिटी हॉल, देखो कोई भी वर्कर लोग जैसे गांव से छोड़ के आए, अपने गांव का महल छोड़ के आए, तो जैसे गणपति पूजा हुआ, सरस्वती पूजा हुआ, या कोई ईद वगैरह हुआ, मुहर्रम हुआ, ऐसे कुछ भी जो भी त्यौहार रहता है जिसका, वो सब कल्चरल प्रोग्राम आपको लेबर हैंडलर को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। समझ लो एक जगह उसका 25 आदमी 40 आदमी है, उनका कोई कोई बिहार का लोग करते छठ पूजा होता है, वो सब पूजा वगैरह होगा तो मैनेजमेंट से बात करके कम्युनिटी हॉल में उनके लिए त्यौहार वगैरह मनाना, चाहे कंपनी से 5-10 हज़ार लेना पड़े तो उसके लिए लड़ झगड़ के लेना है, लेकिन कम्युनिटी हॉल में उनके लिए त्यौहार मनाने देना, ताकि उनका मन लगे रहे और ये न लगे कि हम कहाँ आके फंस गए, गांव में तो इतना बड़ा त्यौहार है यहाँ तो कुछ नहीं, ऐसे नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए आपको कम्युनिटी हॉल में उनके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके उनको मिल में अपनापन आएगा। डू नॉट गिव हार्ड कैश टू वर्कर्स, प्रोवाइड राशन एंड वेजिटेबल्स। ये जो एडवांस के बारे में बता रहा था ना, एडवांस कभी भी आप कैश पेमेंट नहीं करना। कारीगर लोग को क्या करना, आप मतलब राशन दुकान से दाल चावल वगैरह जो भी देना दे देना, सब्जी वगैरह भी दिला देना पैसा में, लेकिन पैसा हार्ड कैश उनका हाथ में नहीं थमाना। आप अगर हार्ड कैश थमा दोगे वो अलग दिशा में उसका खर्चा हो जाएगा, तो फिर आपके पास वो उसका हिसाब नहीं आएगा, वो लोग क्या कभी कभी वही पैसा लगा के गाँव भी भाग जाएंगे। तो इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैश प्रोवाइड ना करें, राशन और वेजिटेबल देने की प्रयास करें। रिकॉग्नाइज गुड वर्कर्स एंड अप्रिशिएट देम। समझ लो आपके ग्रुप में 35-30 आदमी है, 40 आदमी जो भी है, उसमें कोई अच्छा कारीगर है, मतलब ड्यूटी पे रेगुलर है, काम में माहिर है, बिहेवियर सही है, तो ऐसे कारीगर को रिकॉग्नाइज करके जैसे 15 अगस्त, जनवरी 26 पे इनाम वगैरह देते हैं, इसको इनाम भी देना चाहिए, तब जाके होगा। और एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं, आपको बता देता हूँ, कारीगर समझ लो आपके पास 30 आदमी है, तो जब जब कारीगर छुट्टी जाते हैं उनको छुट्टी दीजिए, छुट्टी कभी मना मत कीजिए, छुट्टी दीजिए प्लानिंग के हिसाब से। इनको देने का टाइम ये बोलिए, तुम जब गांव से आओगे 2-3 ट्रेनी लेकर आ जाना, वो लोग भी मदद कर देंगे, लेकर आ जाएंगे। वो उसमें क्या होता है,
मैन पावर बढ़ता रहेगा आपका, आपके पास ज़्यादा मैन पावर रहेगा, आप बढ़िया चला लोगे तो आपका भी तरक्की होगा। तो लेबर हैंडलर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने पूरा विस्तार से बताया आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त लोग को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। और ज्वाइनिंग करना मत भूलना, चैनल में ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।